हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है, हर बच्चा अलग तरीके से अलग दिन अलग माहौल में बिहेव करता है, वैसा ही हर बच्चे के लिए हम लोग पहले असेसमेंट करना जरूरी है। सर मैडम आए थे, बड़ा चिंतित थे कि आते से उन्होंने पूछा कि सर कैसे करेंगे। मैंने उनसे 10 मिनट मांगे, बच्चे के साथ टाइम बिताया, क्लिनिक में जो डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, बच्चे के ऊपर कमांडिंग कैसे करनी है, एक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शंस, बिहेवियर कैसे लेना है, यही सारी चीजें हम लोगों को बाकी डेंटिस्ट से अलग करती हैं। सभी को मैं यही बोलूंगा कि बच्चे बड़े सॉफ्ट हैं, बच्चों के साथ काम करना बहुत इजी है, उनको मैनिपुलेट करना, उनको व्यवस्थित बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर लेना इजी है, टेक्निकली उन्हें उसको सही से अप्रोच करना है। तो हमने 10 मिनट पहले उसको टेल शोडू जो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा दिखाया कि क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं, बातों में लिया, कमांडिंग करी, और इस तरीके से हमने उसको बिहेवियर कंट्रोल करा। और उसके बाद फिर हमने धीरे 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 पूरा ट्रीटमेंट करा। चूंकि सर बाहर से हैं और छुट्टी मिलना मुश्किल है, तो हमने 2 ब्रेक में पूरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फिनिश किया। हमने 2 दांतों की पल्पेक्टोमी करी है यहाँ पे, और 2 दांतों की पल्पोटोमी करी है, फिलिंग्स करे हैं 4-5, और 1 दांत में भी क्राउन भी लगाया। तो ये करीबन करीबन 1.5 से 2 घंटे का ट्रीटमेंट बच्चे ने कराया है। और बच्चा कितनी देर रोया? बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल नहीं रोया। ऊपर से हंस हंस के बात भी किया और हंस के ट्रीटमेंट किया पूरा। रोने का बात तो है ही नहीं, मतलब हम लोग सोचे ही नहीं था कि इस टाइप से हंस के ट्रीटमेंट करेगी बोल के वो। बाकी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है सभी पेरेंट्स को कि बच्चे बेसिकली उनको राइट अप्रोच लेने की जरूरत है। इसीलिए हम फर्स्ट 1000 डेज जो हमारा है उसमें चाहते हैं कि गर्भावस्था से पेरेंट्स जुड़े हमारे साथ, ताकि बच्चों को एक रेगुलर फॉलोअप में जब वो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स पे आते हैं तो उनका कोई इस तरह से डर संकोच नहीं रहता है। अधिकतर ये देखने में आता है कि बच्चा दर्द या सूजन के साथ ही आता है, और हर कोई पेरेंट उनको तभी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है जब दर्द तकलीफ हो। ऐसा ना करें, इससे बचे, और बच्चों में पॉजिटिव डेंटल एटीट्यूड बिहेवियर भी इंस्टॉल करना हमारा काम होता है। जल्दी अप्रोच करें, जहाँ कहीं भी आपको ऐसी चीजें दिखती है उसके बारे में हमसे जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी है, उसको क्लिक करके क्लिनिक के नंबर से जुड़े। बच्चे का फोटो, वीडियो, कोई भी आपकी ऐसी समस्या हो उस पर डाल के एटलीस्ट एक बार हमसे कॉन्टेक्ट करें। हम आपको जरूर उससे रिलेटेड कोई ऐसा मटेरियल जो कि YouTube वीडियो के फॉर्म में हो या पढ़ने के लिए कोई लिटरेचर हो, जरूर आपको शेयर करेंगे, ताकि ये आप एक डिसीजन ले पाए और आपकी जो एंग्जाइटी है उसको भी हम रिड्यूस कर पाए और एक अच्छा डिसीजन ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से हमको ट्रस्ट दिखाने के लिए। एक जिम्मेदारी जरूर लेके जाइए कि अपना बच्चा है वैसे देश के सारे बच्चे हैं। जहाँ कहीं भी अपने को दिखती है कोई ऐसी चीज, जैसे आज इंदौर स्वच्छ है तो हमको कहीं पे भी कोई कचरा फेंकता हुआ दिखता है तो हम तुरंत उसको टोक देते हैं। तो वैसे ही जिम्मेदारी लें, जहाँ कहीं भी इस तरीके से चीजें दिखें जो हम लोग उसको कर सकते हैं, बच्चों के डेंटल प्रॉब्लम्स, तो जरूर उन पेरेंट्स से बात करें, सिंपल सा नंबर शेयर करें, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू।